हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ग्रेट बूस्टर मैथ्स क्लासेस। स्वागत है आपका ग्रेट बूस्टर मैथ्स क्लासेस में। आज इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम छोटा सा सवाल करेंगे परसेंटेज से रिलेटेड, जो कि बोर्ड पे लिखा है। इसमें कहा है ए ट्राईसाइकिल इज सोल्ड एट ए गेन ऑफ 15%। एक ट्राईसाइकिल को 15% प्रॉफिट पर सेल किया जाता है। हैड इट बीन सोल्ड फॉर ₹108 मोर, द प्रॉफिट वुड हैव बीन 20%। अगर उस ट्राईसाइकिल को हम 15% प्रॉफिट पे बेचने के बजाय अगर ₹108 और ज़्यादा में सेल करते तो प्रॉफिट जो है वो 20% होता। तो हमें उसका कॉस्ट प्राइस फाइंड आउट करना है। तो पहले केस में हमारे पास 15% प्रॉफिट है और दूसरे केस में 20% प्रॉफिट है। और यहाँ पर जो SP है, ये SP और ये नया SP, इन दोनों में जो डिफरेंस है वो ₹108 का है। एक्चुअल डिफरेंस है ₹108 का। और परसेंटेज में अगर बात की जाए तो 5% का डिफरेंस है, यानी कि ये जो 5% है वो 108 है। उस CP का 5% जो है वो ₹108 है, यही हमें पता करना था। और इसी से हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि 5% ऑफ x इक्वल टू 108। इक्वेशन मिल गई, अब हम इसको आसानी से सोल्व कर सकते हैं। परसेंट हटाएंगे तो नीचे 100 मल्टीप्लाइड बाय x इक्वल टू 108। x अपने पास आ जाएगा 108 मल्टीप्लाइड बाय 100 अपॉन में 5। 5 से इसको कैंसिल कर दो 20, और इन दोनों का मल्टीप्लाइड 2160। तो यही हमारे पास CP है उस ट्राईसाइकिल का। ठीक है, उम्मीद है आपको ये सवाल अच्छी तरह से समझ में आया है। और ऐसे वीडियो देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।